मैं डॉक्टर राजश्री गुप्ता, मैं बीएससी सेकंड ईयर बॉटनी के सेकंड पेपर का आपको पढ़ाऊंगी। जैसे फर्स्ट ईयर में आपके तीन पेपर थे, ऐसे सेकंड ईयर में भी आपके तीन पेपर हैं, पेपर फर्स्ट, पेपर सेकंड और पेपर थर्ड। पेपर सेकंड का पूरा नाम है प्लांट फिजियोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री। तो पहले मैं बायोकेमिस्ट्री से शुरू करूँगी। बायोकेमिस्ट्री में आपके कार्बोहाइड्रेट्स हैं, प्रोटीन्स हैं, न्यूक्लिक एसिड्स हैं, लिपिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, विटामिन्स हैं। सबसे पहले मैं आपको लिपिड पढ़ाऊंगी। लिपिड का नाम आप लोगों ने सुना होगा। लिपिड हमारी बॉडी में जो सेल्स होती हैं, लिपिड्स के अंदर जो सेल्स होती हैं, उनके अंदर जो सेल मेम्ब्रेन होती है, उसका ये मेन कंपोनेंट होता है। इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये स्किन के अंदर एडिपोज टिश्यू के रूप में रहते हैं, ये नर्वस टिश्यू में स्टोर रहते हैं, एडिपोज टिश्यू में स्टोर रहते हैं, यहाँ तक कि ये बोन मैरो जो होती है, अस्थि मज्जा जिसे हम बोलते हैं, उसमें ये स्टोर रहती है। इनसे हमें एनर्जी मिलती है। ये एक तरह के हाइड्रोकार्बन्स हैं, यानी कि बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स हैं और हाइड्रोकार्बन्स। इनके एक मॉलिक्यूल में कार्बन भी होता है, हाइड्रोजन भी होती है और ऑक्सीजन भी होती है, और कुछ लिपिड्स में तो फॉस्फोरस, सल्फर और नाइट्रोजन भी हो सकती है। इनके एक मॉलिक्यूल में जो ऑक्सीजन के एटम्स होते हैं वो कार्बन के कंपेरिजन में थोड़े कम होते हैं, इसीलिए इनके ऑक्सीडेशन करते समय हमें ज़्यादा ऑक्सीजन एटम्स की या ज़्यादा ऑक्सीजन मॉलिक्यूल्स की ज़रूरत पड़ती है। लिपिड शब्द एक्चुअली एक ग्रीक लैंग्वेज का वर्ड है, इसका मतलब जो लाइपोज से लिया गया है, और लाइपोज का अगर मेरी देखें तो वो होता है फैट्स। ये जो लिपिड शब्द दिया था जर्मन साइंटिस्ट के ग्रुप, उन्होंने दिया था 1943 में। तो लिपिड्स एक्चुअली एक हेटेरोजीनियस ग्रुप है, हेटेरोजीनियस ग्रुप है हाइड्रोकार्बन का या बायोलॉजिकल मॉलिक्यूल्स का। ये जो हेटेरोजीनियस ग्रुप है लिपिड्स का, ये मॉलिक्यूल्स हैं, ये वाटर में इनसॉल्युबल होते हैं, बट ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स जैसे कि ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, ईथर है, क्लोरोफॉर्म है, पेट्रोलियम ईथर है, बेंजीन है, इनमें हमें ये हाईली सॉल्युबल होते हैं। इसलिए इनकी इस सॉल्युबिलिटी या इनसॉल्युबिलिटी के आधार पर हम इनको बाकी के मॉलिक्यूल से बड़े आसानी से सेपरेट कर सकते हैं। तो लिपिड ग्रीक भाषा का शब्द लाइपोस से लिया गया है, जिसका मतलब होता है फैट्स। लिपिड्स के बारे में हम आगे चलते हैं। ये बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, एक तरह से मैक्रो मॉलिक्यूल्स होते हैं, और ये लिपिड्स को अगर हम कैटेगरी में देखें तो तीन तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड्स, कॉन्जुगेटेड लिपिड्स और डिराइव्ड लिपिड्स। नाम से पता पड़ रहा है सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स वैसे तो जो सारे लिपिड्स हैं वो सभी फैटी एसिड्स और एल्कोहल के बने हैं, फैटी एसिड्स और एल्कोहल के। फैटी एसिड्स और एल्कोहल में भी जो बनाते हैं उसे हम बोलते हैं एस्टर, एस्टर भी बोलते हैं या ग्लिसराइड्स भी बोलते हैं, क्योंकि इससे मिलकर बनते हैं, ग्लिसरॉल और फैटी एसिड से मिलकर बनते हैं। तो अगर हम लिपिड्स का कैटेगरी में डिवाइड करें तो तीन तरह के होते हैं, सिंपल लिपिड्स। सिंपल लिपिड्स में आपके आते हैं फैट्स आते हैं, यानी वसाएं आते हैं, और वैक्सेस आते हैं, यानी मोम आते हैं, और ऑयल्स आते हैं। कॉन्जुगेटेड लिपिड्स में वो लिपिड्स होते हैं जो बनते हैं तो सिंपल लिपिड्स के लिए फैटी एसिड्स और ग्लिसरॉल्स में है, किंतु उनमें इनके अलावा एक और स्पेशल ग्रुप होता है, वो स्पेशल ग्रुप या तो ग्लूकोज भी हो सकता है, तो हम इन्हें बोलते हैं ग्लाइकोलिपिड्स। वो स्पेशल ग्रुप सल्फर भी हो सकता है, तो हम इन्हें बोलते हैं सल्फोलिपिड्स। सल्फोलिपिड्स ये कॉन्जुगेटेड लिपिड्स हो गए, और सिंपल लिपिड्स और कॉन्जुगेटेड लिपिड के हाइड्रोलिसिस से जो लिपिड्स हमें मिलेंगे उन्हें हम बोलेंगे डिराइव्ड लिपिड्स, जैसे कि टर्बिन्स हैं, जैसे कि कोलेस्ट्रॉल है, जैसे कि स्टीरॉइड है, ये सब क्या है डिराइव्ड लिपिड्स। तो मैं यहाँ ड्रॉ करके बताती हूँ, जैसा फॉर्मूला वगैरह। लिपिड्स लिपिड्स किससे मिलकर बने होते हैं, फैटी एसिड्स, फैटी एसिड्स प्लस एल्कोहल, एल्कोहल से मिलकर बने होते हैं, तो उसमें क्या बनता है हमारे पास फैट्स बनते हैं, फैट्स, ठीक है, फैट्स बनाने के लिए
उसके एक मॉलिक्यूल में तीन OH ग्रुप होते हैं, तो जिससे हमें इन दोनों के रिएक्शन से हमें क्या मिलते हैं फिर, क्योंकि ये ट्राइहेड्रिक एल्कोहल से बनता है इसलिए फिर इसको हम कहते हैं ट्राई मिस स्ट्राइक्स, ट्राई मिस स्ट्राइक्स। अगर ये फैटी एसिड, फैटी एसिड से हम इससे जो हम फैट्स बनाते हैं तो फैटी एसिड का हम तीन मॉलिक्यूल लेते हैं, थ्री मोल्स, तो एल्कोहल का हम लेते हैं वन मोल या वन मॉलिक्यूल। क्योंकि ये फैटी एसिड जब तीनों सेम हो तो इसको हम बोलते हैं सिंपल फैट, सिंपल फैट्स। अगर ये फैटी एसिड डिफरेंट है तो इसे हम बोलेंगे मिक्स्ड फैट।